हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिनोगास्तु में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में बोर्ड परीक्षार्थियों को उनके रिजल्ट को लेकर इंतजार है। कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड रिजल्ट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 5वीं बोर्ड का रिजल्ट कब तक जारी होगा, 8वीं का कब तक जारी होगा और 10वीं 12वीं बोर्ड का जो रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। लाखों विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार है उनके रिजल्ट को लेकर, क्योंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड की जो परीक्षाएँ हैं वो खत्म हो चुकी हैं और इसी बीच जो है आपके 5वीं और 8वीं की जो परीक्षाएँ हैं वो चल रही हैं और जल्दी खत्म होने वाली हैं। तो उसके बाद रिजल्ट कब तक जारी कर दिए जाएंगे, इसको लेकर लगातार न्यूज़पेपर्स में और इसके अलावा जो है न्यूज चैनल्स के अंदर लगातार अपडेट सामने आ रही है। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो के अंदर आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट को लेकर कवर कर लेते हैं। तो पैसेंस बनाकर वीडियो एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 5वीं कक्षा की। जो 5वीं कक्षा की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो अभी चल रही हैं और ये जो है 12 मई को खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। 12 मई को आपकी कक्षा 5वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। 8वीं बोर्ड की अगर हम बात करें तो इनकी जो एग्जाम है वो 17 मई को जो है खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर कक्षा 5वीं की बात करें तो 12 मई को, 8वीं की बात करें तो 17 मई को जो एग्जाम्स इनकी खत्म हो जाएंगी। वही अगर हम 10वीं 12वीं की बात करें तो इनकी एग्जाम तो मिड अप्रैल में ही खत्म हो गई थी, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कक्षा 5वीं और 8वीं की। अगर मैं बारे में आपको बताऊं तो यहां पर जैसे ही एग्जाम हो रही है, पेपर्स हो रहे हैं, उसी के बाद में जो है कॉपियां भी जांच करना शुरू हो चुकी हैं और जो प्राइवेट स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उनको बोल दिया गया है कि पोर्टल पे जाके आप जो है इनके 17 अंक को भी अपलोड कर दो, जिससे कि इनका जो रिजल्ट है वो जल्दी से बना दिया जाए, ठीक है ना, और जारी कर दिया जाए। तो 5वीं और 8वीं की यहां पर हम बात करें तो 10 मई एक डेट रखी है कि 10 मई से पहले पहले सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, विद्यार्थियों के जो 17 अंक है उनको शाला दर्पण पोर्टल पर और बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ यहां पर उलझने भी आ रही हैं, वेबसाइट शायद थोड़ा बिजी भी चल रहा है और वहां पर अपलोड नहीं भी हो रहे हैं, तो उसको भी दिक्कतें सामने करना पड़ रहा है यहां पर स्कूल वालों को। लेकिन जल्द ही आपके जो 17 अंक हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे। अब रिजल्ट की बात करें तो यहां पर जो 5वीं और 8वीं बोर्ड की जो रिजल्ट की अपडेट सामने आ रही है न्यूज़पेपर में, वो अपडेट यह है कि कॉपियां साथ के साथ जांच हो रही है, मूल्यांकन भी हो रहा है और आपका जो रिजल्ट है कक्षा 5वीं और 8वीं का वो मई के अंतिम सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, मई के अंतिम सप्ताह में जो रिजल्ट है वो जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। मतलब ज्यादा समय नहीं होगा, जैसे ही एग्जाम खत्म हुई उसके एक वीक के बाद में ही आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो जल्द से यहां पर रिजल्ट जारी होंगे कक्षा 5वीं के 8वीं के, जिससे कि नया सेशन जल्दी से स्टार्ट हो पाए। अब हम बात कर लेते हैं जिनकी एग्जाम खत्म हो चुकी है, कक्षा 10वीं और 12वीं। कक्षा 10वीं और 12वीं की लगातार अपडेट सामने आ रही है कि इनका जो मूल्यांकन है वो लगभग कर लिया गया है और यहां पर जो रिजल्ट है उसको भी अपलोड करने की तैयारी की जा रही है बोर्ड के द्वारा। तो यहां पर बोर्ड के द्वारा और बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा यहां पर अपडेट सामने आ रही है कि कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो जल्द जारी किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं कब तक जारी होगा। अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं का रिजल्ट जो है मई के अंतिम सप्ताह तक आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले कॉमर्स का आएगा, उसके बाद में साइंस का आएगा और उसके बाद में आर्ट्स का आएगा, क्योंकि कॉमर्स में कम विद्यार्थी होते हैं। तो मई के अंतिम सप्ताह तक आपका जो है कॉमर्स का रिजल्ट आ जाएगा और हो सकता है साइंस का भी रिजल्ट आ जाए, ठीक है ना। और इसके बाद जून के प्रथम सप्ताह तक आपके जितने भी रिजल्ट हैं आर्ट्स के या बाकी की जो संख्याएं हैं उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं 10वीं कक्षा की। तो 10वीं कक्षा का जो रिजल्ट को लेकर अपडेट सामने आ रही है, 10वीं का भी 15 जून से पहले पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जी हां, 15 जून से पहले पहले आपका जो 10वीं का रिजल्ट है यह भी जारी कर दिया जाएगा, यानी 15 जून तक लगभग सभी कक्षाओं का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा बोर्ड कक्षाओं का, ठीक है ना। तो यह अच्छी खबर है सभी विद्यार्थियों के लिए और लगातार आपके कॉमेंट आ रहे थे और अपडेट भी आ रही है, रोजाना की न्यूज पेपर में अपडेट आती है। लेकिन मैंने सोचा कि एक ही वीडियो बनानी होगी, अलग अलग क्या वीडियो बनाए, तो मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया है कि 5वीं और 8वीं की जो यहां पर रिजल्ट है वो मई के अंतिम सप्ताह तक आ जाएंगे, 10वीं की बात करें 15 जून से पहले और 12वीं की बात करें तो कुछ रिजल्ट आपके मई के लास्ट वीक में और कुछ रिजल्ट आपके जून के फर्स्ट वीक में जारी कर दिए जाएंगे। तो यह अपडेट यहां पर सामने आ रही है। तो राजस्थान प्रदेश के सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को जो इंतजार है रिजल्ट को लेकर, वो जल्द ही आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। जैसे रिजल्ट आएंगे हम लाइव आकर आपके साथ रूबरू होंगे। तो इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।